आजादी के 73 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन जनपद गोंडा का हाल बेहाल है। जनपद गोंडा के ग्राम कठेला तालाब ब्लॉक हल्दर मऊ तहसील करनेलगंज का आलम यह है कि यह एक निचला इलाका है जो विगत कई वर्षों से बाढ़ से ग्रस्त रहता है और इस बार भी जुलाई 2020 के पहले से ही बाढ़ की आशंकाएं बनी हुई हैं। कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी हैं। कम से कम कई हजार एकड़ भूमि 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी की निकासी की समस्या इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, फिर भी कोई सरकारी आला अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि इस जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहता है। आलम यह है कि धान की फसल का अता पता नहीं है, लोग क्या खाएंगे, मवेशियों का क्या होगा, आने वाला समय ही बताएगा। इस जल जमाव से बटौरा, बृतियनपुरवा, कपूरपुर, पतिसा, नूरपुर आदि गांवों के लाखों किसानों के धान एवं गन्ने के फसल पूरी तरह से पानी में डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। तो वहीं बृतियनपुरवा गांव में कुछ घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां का आलम क्या है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और पानी के नीचे धान और गन्ने की फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है संवाद न्यूज पर कठेला का। ये कठेला तालाब जनपद गोंडा के अंदर आता है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। अभी तक सरकारी कोई भी सरकारी आला अधिकारी या हुक्मरानों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है यहाँ पर। ये स्थिति है यहाँ की, देखिए वीडियो में। संवाद न्यूज से हिमांशु की रिपोर्ट।